दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों थंबनेल पर देख पा रहे हैं, आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा हो रही है, लेखपाल रिजल्ट घोषित। बिल्कुल ये चीज़ें अगर देखा जाए, यूपी लेखपाल का रिजल्ट के इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बेहद कल का दिन खुशखबरी वाला था, ठीक है। या कहा जाए आपका जो लेखपाल का रिजल्ट है वो कल शाम को घोषित कर दिया गया है। आप सभी उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट को अपने देख लिए होंगे, ठीक है। और अगर देखा जाए, जैसे ही अभ्यर्थियों ने रिजल्ट को देखा, अगर उनके लगातार कमेंट आने लगे कि भैया अब जो है डीबी स्किप अभियान चलाया जाए, ठीक है। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं, अभी उस कमेंट को भी हम आपके बीच में दिखाएं, तो ये आप देख पा रहे हैं, सर प्लीज डीबी स्किप अभियान चलाएं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप सभी का सपोर्ट और प्यार बिल्कुल मुझे भी अच्छा लगता है, आप देख पा रहे हैं। और इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कल रिजल्ट निकल कर आया है, आप देख पा रहे हैं, सर मेरा नंबर 77 बन रहा है लेकिन रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड बता रहा है, क्या करूं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि भैया हमारा नंबर अच्छा खासा है, थंबनेल पर आप देख पा रहे हैं 77 नंबर, 82.5 इतने नंबर, 50 नॉट क्वालिफाइड। इसके पीछे वजह क्या है, क्या रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है, या आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। और यहां डीबी स्किप अभियान पर हम चर्चा करेंगे, सिलेक्शन वाले कट ऑफ। हालांकि अगर देखा जाए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ थे वो आयोग ने जारी कर दिया, ठीक है। और आयोग ने जो जारी किया कट ऑफ, वही जब आपके एक एक्सेप्टेड कट ऑफ आपकी बताई जा रही थी, तो लगभग लगभग चैनल के माध्यम से वही कट ऑफ आपके बीच में शेयर किया गया था। अगर आपको नहीं लगता है तो बिल्कुल चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है, आपको खुद ब खुद विश्वास हो जाएगा। यहाँ देखिए, और सिलेक्शन वाले कट ऑफ आपकी क्या होगी, जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस SC ST की, तो बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। और सबसे अहम मुद्दा जो आपका बना हुआ है, 77 नंबर और 82 नंबर पर नॉट क्वालिफाइड, ऐसे लगभग यह मानकर चलिएगा कि लगभग 20 बच्चों के कॉल्स आ चुके हैं, मैसेज आ चुके हैं कि भैया इसके पीछे वजह क्या है। आप देख पा रहे हैं रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया, अभ्यर्थी जा रहे हैं आयोग, फिर से खड़ी हुई समस्या। अब समस्या क्या खड़ी हुई है, आप समझ सकते हैं कि अगर अभ्यर्थी आयोग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इसमें गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। दोस्त देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जो डीबी स्किप अभियान की बातें हैं। देखिए अगर हम बात करें डीबी स्किप अभियान की, तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपका कहीं भी सिलेक्शन हो चुका है गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, आपने देखा आपके समक्ष बहुत सारी भर्तियां आई और पूरी तरह से वो जो है संपन्न कराई जा चुके, ठीक है, जैसे रेलवे की हो गई, लोअर PCS हो गया, आपने UPSI को देखा, ठीक है। तो अगर इस तरह के कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप लगे हैं और अगर अपने आप को वहाँ पर आप कंफर्ट महसूस कर रहे हैं, तो वहाँ से आप यहाँ लेखपाल की डीबी स्किप कर सकते हैं, जिसके पीछे वजह है किसी और को मौका मिल जाएगा अगर आप एक स्थान को छोड़ देते हैं, चूँकि आप कहीं ना कहीं लगे हुए हैं। अगर आप वहाँ से अपने आप को समझ पा रहे हैं, हम यहाँ ठीक ठाक हैं, हमारी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, तो बिल्कुल आप यहां पर स्किप कर सकते हैं, बाकी अदरवाइज आप अपने मर्जी के मालिक स्वयं हैं, जैसी ही आपकी इच्छाएं हैं। हमारा फर्ज था, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया इस अभियान को आप जारी रखिएगा, तो मजबूरन मुझे इस पर लगातार वीडियो देना पड़ रहा, ठीक है। यहां देख पा रहे हैं सिलेक्शन वाले कट ऑफ आपकी क्या होगी, देखिए कट ऑफ का विश्लेषण आपके बीच में किया जा रहा है। जिस तरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ गई है, उससे तो लगता है लगभग यह मानकर चलिएगा 27,000 के आसपास में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं, ठीक है। अगर 27,000 अभ्यर्थी क्वालिफाइड किए गए हैं डीबी के लिए, तो ऐसे में ये मानकर चलिएगा कि जो फाइनल सिलेक्शन वाली कट ऑफ होगी वो अपने आप में अच्छी खासी जाएगी, ठीक है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि 8,085 पदों पर आपकी परीक्षा कराई गई है और 27,000 के आसपास में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए गए हैं, तो ऐसे में बिल्कुल सवाल उठना लाजमी है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, विश्लेषण किया जा रहा है आप सभी के द्वारा कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से जैसे ही लगभग 2,500 अभ्यर्थी अपना वोट दे देते हैं, तत्काल आपके समक्ष जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। सवाल उठता है इतने नंबर पर नॉट क्वालिफाइड क्यों बता रहा है, देखिए बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, जो लोग आयोग जा रहे हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता, चूंकि लाइफ का सवाल है, ठीक है। यहां 77 नंबर पर बिल्कुल हो जाना चाहिए था, ठीक है, और यहां आपने कट ऑफ को देखा, कट ऑफ आपकी कितनी गई है,
अगर कोई जनरल कैंडिडेट भी होगा तब भी उनका 77 नंबर पर हो जाना चाहिए था, इसमें शक नहीं। 82 नंबर पर जरा सा विचार करें, नॉट क्वालिफाइड क्यों बता रहा है, इन्हें आयोग जाना चाहिए, हम भी इनके पक्ष में हैं, ठीक है। चूंकि आपने कट ऑफ देखा 75 के आसपास में कट ऑफ गई है, तो ऐसे में 75 और 77 में अंतर तो ही है, ठीक है। इतने पर हो जाना चाहिए था भैया, आप आयोग बिल्कुल जाएं, आपको कहीं ना कहीं वहां से समुचित उपचार जरूर मिलेगा, ठीक है। और यहां देखिए आप कहेंगे आप खुद ऐसा कर रहे हैं, देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, अगर उसके स्थान पर जो अभ्यर्थी नॉट क्वालिफाइड बता रहा है 82 नंबर और 77 नंबर पर, अगर आप भी उस स्थान पर होते तो बाबू आप भी जाते, ठीक है। ऐसा नहीं था आप नहीं जाते, ठीक है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, आप जाइए, आप सचिव जी से बात करिए कि ऐसा क्यों हुआ, वहां से आपको जो भी उपचार होगा दिया जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी जा रहे हैं कोर्ट, फिर जो हुई गड़बड़ी और ये चीज है तो आप समझ सकते हैं, अगर अभ्यर्थी जाएंगे तो कुछ ना कुछ मामला लटक सकता है। बहरहाल हम इसके पक्ष में नहीं है मामला लटके, ठीक है। जो भी उपचार हो सचिव जी वहां से उपचार करें और बाकी चीजें खुद ब खुद आपकी चलती रहेगी, ठीक है। और रिजल्ट में आपने देखा रितु सिंह आया, इतने बड़े स्तर से फ्रॉड किया था, ठीक है, उनको भी डीवे के लिए क्वालिफाइड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आयोग की गवर्नमेंट की एक लचर व्यवस्था है, जिस अभ्यर्थी ने इतने बड़े स्तर से फ्रॉड किया और सार्वजनिक हुआ हुआ नकल का मामला, अगर ऐसे अभ्यर्थी को क्वालिफाई किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो भविष्य में जितने भी रुपया देकर वो हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे में पहले वो रुपया को ऐंठेंगे, उसके बाद जो काम होगा वो करेंगे, ये कड़वा सत्य है। हालांकि इस चीज़ को एक सार्वजनिक मंच पर मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यार जब सब कुछ होता है तो दिल करता है बोलने के लिए, ठीक है। तो बहरहाल आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, आप डीवी स्किप अभियान को जारी रखिएगा। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया का माध्यम हो तो बिल्कुल इस वीडियो को आप शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डीवी स्किप अभियान को पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।